मैं हेरम सदानंद मेरवाड़े पिछले 6 से 7 साल से मैं कैंसर ब्रेन ट्यूमर से तकलीफ में हूँ। तो मेरा जो उपचार है वो टाटा हॉस्पिटल में चल रहा है और इस दरमियान मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे सर्च किए कि कौन से हॉस्पिटल्स मेरी जो बीमारी है उसको कम कैसे किया जाए, कैसे मुझे इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाए। इसके लिए मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल सर्च किए। उसके बाद मुझे मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में एक देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के नाम से जानकारी मिली। तो यहाँ पे मैं खुद आया। उसके बाद में सर से मिला तो सर ने मुझे क्लियर बोला कि आपका जो भी बीमारी है वो पूरा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने पिछले 7 दिन से मैं यहाँ पे एडमिट हूँ और 7 दिन में जिस तरीके से ट्रीटमेंट उपचार यहाँ पे दी जा रही है बहुत अच्छी तरीके से है। उसके बाद में भी जो हॉस्पिटल के स्टाफ है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, काफ़ी अच्छी तरह से कोऑपरेटिव है। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट का यहाँ पे उपचार होता है। पूरा दिन भर में आपको 3 बार थेरेपी किया जाता है। बहुत अच्छी तरीके से आप अगर चाहते हो कि आप कहीं अपने आगे आने वाले फ्यूचर में अच्छे बनना है, अच्छे रहना है, तो आप खुशी से इस हॉस्पिटल में आ सकते हो। अगर आपको इस हॉस्पिटल के बारे में पूरा जानकारी चाहिए तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो देवी अहिल्या हॉस्पिटल के नाम से, तो आपको YouTube पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पे डॉक्टर हडिया सर के जो पुत्र है, आपके जो भी समस्या है उसमें अच्छी तरीके से वो आपको क्लियर करेंगे, हर चीज़ में आपको सहकार्य करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। इसके लिए आप यहाँ पे आइए और आप अपने आगे आने वाले फ्यूचर को बहुत अच्छी तरीके से सही कीजिए और आप बीमारी से मुक्त हो जाइए, बस यही मैं चाहता हूँ। चलिए आप अपने बारे में बताइए, जब आपको ये ट्यूमर पता चला, हाँ, तो महाराष्ट्र में आपने इलाज कराया? जी हाँ, महाराष्ट्र में टाटा हॉस्पिटल में मैंने इलाज किया। क्या तकलीफें आपको लग रही थी तब जब यहाँ पे आए थे? 7 दिन का जब ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ तो 7 डेज बाद जो आपको रिलीफ मिला, किस तरह का रिलीफ मिला? देखिए, मैं करीबन 6-7 साल से इस बीमारी में परेशान हो गया हूँ। तो 6-7 साल के बाद मैं आज यहाँ पे 7 दिन से जो ट्रीटमेंट चालू है उसमें मुझे बॉडी सुस्त होना, मेरी जो बॉडी है सुस्त होना, उसके बाद में विजन में डिस्टर्ब होना, मतलब आँखों से ठीक से दिखता नहीं है, पूरा ब्लर दिखता है, लेकिन उसमें काफ़ी राहत मुझे मिली है यहाँ पे आने के बाद में। और आप जैसे जो पेशेंट होते हैं वो अगर उनकी हिम्मत की बात करूँ तो हिम्मत हार जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो है अपनी हिम्मत को लेकर कितना बोल्ड हैं, क्या लग रहा है कि मतलब कैंसर जैसी बीमारी को वाकई हराया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल हराया जा सकता है, क्यों नहीं। आपका अगर विल पावर अच्छा हो, देखिए पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो कैंसर की बीमारी है, जो ट्यूमर है या किसी भी चीज़ का, वो अपने बॉडी के अंदर है, बॉडी के बाहर नहीं। अगर आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है तो आज मैं जैसे खड़ा हूँ आपके सामने आपसे बात कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप भी रह सकते हो और उस कैंसर पर आप मात करके अपनी पूरी लाइफ जो है अच्छी तरह से जी सकते हो, ये कहना है। लेकिन कभी कभी जब आप अकेला होते हैं क्या सोचते हैं कैंसर को लेकर, मतलब इसको हराने को लेकर आपके मन में जो ख्याल होते हैं क्या होते हैं? जी, मैं तो यही सोचता हूँ कि एक ही लाइफ मिला है और हमें इस लाइफ में जितना अच्छा हो सके ट्रीटमेंट करवाना है, अपने आप को अच्छा बनाना है, बस यही ध्यान में रख के यही काम करना है, बस और कुछ नहीं। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। यहां पर मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हार्डिया के मार्गदर्शन से अब तक हजारों कैंसर मरीज ले चुके हैं स्वास्थ्य लाभ। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।